बंदे मत कर गुरूर इतना, साथ क्या जाएगा, और मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाएगा। नमस्कार, मैं संजीव कोडिवाल, योर बायोलॉजी मेंटर, एंड यू आर वाचिंग कीरो क्लासेस। आज कर रहे हैं प्लस वन बायोलॉजी, और बायोलॉजी में अपनों ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था टेरिडोफाइट्स को, टेरिडोफाइटा क्लास को अपनों ने कंप्लीट कर लिया था। और टेरिडोफाइटा में जो मेन फीचर थे, जो खास खास फीचर थे, उस पे हमने डीप डिस्कशन कर लिया था। उसमें नए चीज क्या डेवलप हो गए थे, उसमें पहली जो चीज थी वो थी कि वो ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट थे जो सबसे पहले सक्सेसफुली ग्रो होने स्टार्ट हो गए लैंड के ऊपर, भूमि के ऊपर, सॉइल के ऊपर ग्रो होने वाले सबसे पहले प्लांट थे। फिर अब ग्रो हो गए तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, रूट सिस्टम डेवलप होना चाहिए, स्टेम डेवलप होना चाहिए, उसकी लीव्स वगैरह डेवलप होना चाहिए। तो प्लांट बॉडी है वो डिफरेंशिएट हो गई थी, विभेदित हो गई थी जड़ तना और पत्ती में। और तीसरी बात क्या थी, जब उसमें जड़ तना पत्ती मिल गए तो अपने को संवहनी ऊतकों का भी निर्माण करना होगा। तो ऐसे पादप थे जिनमें सबसे पहले संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम डेवलप हो गए थे। तो ये प्रथम संवहनी पादप भी थे, अब इन्हीं से डेवलप हो गए थे जिम्नोस्पर्म। आज की जो क्लास है वो किसके ऊपर बेस्ड है, आज हम करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म्स, जिसको आपने हिंदी में क्या बोल सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं अनावर्तबीजी। अनावर्तबीजी क्यों बोला गया, इसका अगर वर्ड मीनिंग देखा जाए तो जब अपने बात करते हैं जिम्नो की, यहां ऊपर जिम्नो लिखा हुआ है, दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, और प्लस क्या है, स्पर्म्स। तो पहला टर्म क्या है, जिम्नो, और दूसरा है स्पर्म्स। जिम्नो मींस नेकेड, जिम्नो मींस क्या है, नेकेड, और स्पर्म्स सीड। तो ऐसे प्लांट जिनके अंदर नेकेड सीड्स मिलते हैं, या कह सकते हैं जिनके अंदर बीज फल भित्ति द्वारा आवृत नहीं होते, ऐसे प्लांट है जिनमें सीड्स तो है लेकिन नेकेड है, इसका अर्थ क्या हुआ। देखिए, जिस तरह से अपने एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, आवृतबीजी, जो आसपास फूलों वाले पौधे पेड़ दिखाई दे रहे हैं उनमें फल लगते हैं, तो फल लगते हैं तो फल क्या हुआ, फल के अंदर ही क्या बनते हैं, उनमें बीज बनते हैं। लेकिन यहां पर फल बनते नहीं है, इनमें फ्लावर नहीं होते, फ्लावर नहीं होते तो फ्रूट डेवलप नहीं हो पाते। जब फ्रूट डेवलप नहीं होंगे तो सीड है वो नेकेड दिखाई देते हैं, अपने को आसानी से दिख जाते हैं बाहर ही। थोड़ा सा अगर अपने उनका मुआयना करते हैं तो बाहर से ही अपने को सीड है वो दिखाई दे जाते हैं, सीड है वो फ्रूट वॉल से ढके हुए नहीं होते। मोटी भाषा में क्या बोलेंगे कि उनमें फ्रूट होते ही नहीं है, इस वजह से जो सीड है वो बाहर ही दिखाई दे जाते हैं, तो नेकेड सीड्स मिलते हैं। तो कह सकते हैं इसमें क्या नहीं होते, जो सीड्स है वो फ्रूट वॉल से आवृत नहीं होते, कवर्ड नहीं होते, फ्रूट वॉल, या ज्यादा इसमें गहराई में नहीं उतरे तो अपने सीधे क्या बोल सकते हैं, फ्रूट बोला जा सकता है। कि ऐसे फ्रूटलेस प्लांट जिनमें सीड है वो फ्रूट वॉल से या फल भित्ति द्वारा ढके हुए नहीं होते। फल भित्ति तीन तरह की क्या होती है, फल भित्तियां होती है, बाह्य, मध्य और अंतः फल भित्ति। सबसे पहले बाहर क्या होती है, पेरिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। तो वही चीज है, वो उन वॉल की बात कर रहे हैं अपने छिलके, उसके बाद में जो बीच वाला जो मोस्टली अपने खाते हैं पार्ट, उसको अपने क्या बोलते हैं, मीजोकार्प। और सबसे अंदर वाली कौन सी लेयर होती है जो बीज को ढक के रखती है, वो होती है एंडोकार्प या अंतः फल भित्ति। तो कह सकते हैं कि फ्रूट नहीं है, इस वजह से सीड्स है वो नेकेड। बात क्लियरली लिख लेते हैं, पहली बात क्या होगी, ये क्या होंगे, इनमें सीड बनने स्टार्ट हो गए। पहली अच्छी बात, अच्छी जो न्यूज है, गुड न्यूज क्या है, अच्छी बात क्या है, सबसे पहले अच्छी बात क्या होगी, इसके अंदर इन पादपों में, इन प्लांट्स के अंदर बीज बनने स्टार्ट हो गए। तो कह सकते हैं ये फर्स्ट या प्रिमिटिव क्या है, फ्नेरोगेम्स है, प्रिमिटिव नैरोगेम्स, प्राचीनतम
बीज उत्पादित करने वाले पादप, ऐसे पादप जिनमें सबसे पहले बीज बनने प्रारंभ हो गए थे, तो कह सकते हैं ये प्राचीनतम क्या थे? हाँ, बीज, बीजीय पादप थे, क्योंकि उन्होंने देखा, उन्होंने क्या देखा लास्ट वीडियो में, टेरिडोफाइटा तक उन्होंने देख लिया था कि वहां तक बीज बनने प्रारंभ नहीं हुए थे, चाहे वो एल्गी हो, चाहे उसके ब्रायोफाइट्स हो, चाहे वो टेरिडोफाइट्स हो, उन तीनों को एक कैटेगरी में रखा गया जिसका नाम है क्रिप्टोगेंस, या कह सकते हैं सीडलेस प्लांट। लेकिन जैसे ही जिम्नोस्पर्म स्टार्ट हो गए, तो इसका मतलब है इनमें सीड बनने स्टार्ट हो गए। वो अलग बात है कि इनके सीड है वो कवर्ड नहीं होते, लेकिन सीड बनने स्टार्ट हो गए। और उसके बाद, इनके बाद अपने क्या पढ़ने वाले, एंजियोस्पर्म्स या आवर्तबीजी, जिनमें फ्लावर और फ्रूट बनने स्टार्ट हो गए। अब बीज तो है, जब इसमें बीज है लेकिन बीज ढके हुए नहीं है फ्रूट वॉल से, तो अपने क्या बोलेंगे, नेकेड सीड्स। इनमें बीज तो है लेकिन वो नग्न बीज ही है, उनके बीज है वो फ्रूट वॉल से ढके हुए नहीं है। अगला पॉइंट क्या हो सकता है, जिम्नोस्पर्म्स का मीनिंग मैंने आपको बता दिया था। जिम्नोस्पर्म्स का मतलब होता है प्लांट डोज हैव नेकेड सीड्स, ऐसे पादप जिनमें नग्न बीज मिलते हैं या बीज ढके हुए नहीं होते। ये तो ठीक है, इसमें नेकेड सीड्स मिलते हैं, लेकिन अगर अपने जिम्नोस्पर्म का वर्ड मीनिंग निकालें, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, उसका मतलब होता है सीड विदाउट सीड कोट, जो कि पॉसिबल नहीं हो। बीज बिना किसके, बीजावरण के, ऐसे बीज जो बिना बीजावरण के हैं, जिनके बाहर कोई बीजावरण नहीं मिलता, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका वर्ड मीनिंग जो है, अगर आप अपने वर्ड मीनिंग पे जाएं, तो इसका वर्ड मीनिंग निकलता है, किसका वर्ड मीनिंग, जिम्नोस्पर्म का वर्ड मीनिंग होता है सीड विदाउट सीड कोट, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो वर्ड मीनिंग पे नहीं जाते हैं, इसका जो अर्थ निकलता है वाकई में, जो अपने को समझना है, वो होता है नेकेड सीड्स। अगली बात क्या कर सकते हैं, देखिए अपने टेरिडोफाइट्स तक पढ़ लिए था, क्या पढ़ लिया था कि उसमें टेरिडोफाइट के अंदर संवहन ऊतक बनने स्टार्ट हो गए थे, उनके अंदर अपनों ने देखे कि किस तरह से जाइलम और फ्लोएम डेवलप हो गए थे, लेकिन वहां पर कमियां छूट गई थी। जाइलम तो है लेकिन जाइलम में क्या नहीं है, वैसे ही वेसल्स नहीं है, या वाहिकाओं का अभाव है, वाहिकाएं नहीं पाई जाती। और जो फ्लोएम है, फ्लोएम के बारे में क्या बोल सकते हैं, इसमें कंपेनियन सेल्स नहीं है, सहायक कोशिकाओं का अभाव होता है, तो वेसल्स नहीं है और कंपेनियन सेल्स नहीं है, सहायक कोशिकाओं का अभाव होता है, या कह सकते हैं जब सहायक कोशिका ही नहीं होंगी तो सीव ट्यूब नहीं होती है, उनका भी अस्तित्व नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं रखती। वो क्यों नहीं रखती, क्योंकि कंपेनियन सेल्स ही है, वो कंट्रोल करती है सीव सेल्स को, तो इनमें कंपेनियन सेल्स नहीं। डायरेक्टली अपने कह सकते हैं कि इसके अंदर सीव ट्यूब्स फंक्शन नहीं करती, तो यहां पर वेसल्स नहीं है, कंपेनियन सेल्स नहीं, या कह सकते हैं सीव ट्यूब्स नहीं बनती, तो इनमें वही कंडीशन रहेगी जाइलम फ्लोएम की, जो टेरिडोफाइट्स में पढ़ा था। और क्या हो सकता है, इसमें फ्लावर नहीं बनते, मैंने बताया कि इसमें फ्लावर नहीं बनते, अभी फ्लावर नहीं है, फ्लावर नहीं है तो उसकी वजह से वो क्या नहीं बना पाते, फ्रूट भी नहीं बनते। कैसे पादप है, नॉन फ्लावरिंग अपुष्पीय पादप होते हैं, इनमें अभी तक पुष्प बनने, फूल बनने प्रारंभ नहीं हुए, तो ये जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं। बेसिकली कैसे हैं, ये हैं जीरोफाइट्स, मरुद्भिद पादप जो कम पानी में उगते हैं, या कम पानी में या जीरोफाइटिक क्लाइमेट के अंदर उगने के लिए अडप्ट हो गए हैं, उनमें अडप्टेशन आ गई है, अनुकूलनता आ गई है। जो जिम्नोस्पर्म्स है वो बेसिकली क्लाइमेट में अडप्टेशन के मुताबिक कौन से प्लांट, तो अपने बोलेंगे जीरोफाइटिक या मरुद्भिद पादप है।
इनमें वो सारे अडेप्टेशंस, वो सारी अनुकूलनताएं पाई जाती हैं जो एक जीरोफाइटिक प्लांट में पाई जाती है। वो क्या चीज होती है? सनकन, स्टोमेटा। तो पहली चीज, धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र है वो सरफेस पे लीव्स की सतह पर नहीं पाए जाते, वो धसे हुए मिलते हैं। और दूसरी चीज क्या है? क्यूटिकल पाई जाती है। और क्यूटिकल क्या चीज है? ओवैक्सी लेयर है जो ट्रांसपिरेशन की रेट को काफी हद तक कम कर सकती है। लीफ की सरफेस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर भी मिलेगी। तो ये दोनों क्या है? ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन को कम करने में सहायक है। अगर रंध्र अंदर की तरफ धंसे होंगे तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा और क्यूटिकल मिलेगी उसके ऊपर। अगर लीफ के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर मिल जाए तो फिर बात ही क्या है? तो क्या बात होगी? तो उसे वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन की रेट कम हो जाती है। उसके बाद अपना अगला जो करेक्टर होगा इनको लेकर, जिम्नोस्पर्म्स को लेकर, वो कौन सा होगा? इनमें सेकेंडरी ग्रोथ, डबल स्टार लगा देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि इसमें द्वितीयक वृद्धि भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस। इनमें द्वितीयक वृद्धि भी पाई जाती है और वार्षिक वलय भी बनती है, एनुअल रिंग्स, एनुअल रिंग्स, वार्षिक वलय। ये क्या होता है? इसके लिए भी अलग से चैप्टर है द्वितीयक वृद्धि के बारे में, उनमें वार्षिक वलय पढ़ी जाती है। वार्षिक वलय क्या है? जब अपने एक बड़े पेड़ को काटते हैं, या आरा मशीन पे आपने देखा होगा जब लकड़ियां कटती हैं, स्टेम को अपने काटते हैं, तने को, उस ट्रंक को अपने काटते हैं, तो क्या होता है? बहुत सारी उसमें अपने को कंसेंट्रिक रिंग्स दिखाई देती हैं। अगर आपने गौर किया हो तो सर्कुलर कंसेंट्रिक रिंग्स दिखाई देती है। सकेंद्रीय, बहुत सारी सकेंद्रीय वलय पाई जाती हैं जिनका केंद्र एक ही होता है, तो इनको बोलते हैं कंसेंट्रिक रिंग्स। इनको काउंट करके अपने किसी भी पेड़ पौधे की आयु ज्ञात कर सकते हैं, अपने उसकी एज डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये होती है एनुअल रिंग्स। मिलती है, बनती है इनमें, इनमें जिम्नोस्पर्म में। लेकिन आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा या कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरी क्या, ये इससे पहले वाली चीज है सेकेंडरी ग्रोथ, ये है द्वितीयक वृद्धि। क्या होता है? हम ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं, जब हम इस तरह से बढ़ना स्टार्ट कर देंगे, फैलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो अपनी क्या है? स्कैंडी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि होती है। ऐसे पेड़ पौधों में देखने को मिलता है। तो प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है? जब वो हाइट में इंक्रीज करते हैं, जहां पर एपिकल मेरिस्टमैटिक टिश्यू काम करता है, वहां पर ऊंचाई में या लंबाई में वृद्धि देखने को मिलती है। लेकिन एक हद तक ऊंचा हो चुका है प्लांट, अब वो क्या करेगा? फैलना स्टार्ट करेगा। उसका डायमीटर, उसका तना है, उसका ट्रंक है, वो बड़ा होना स्टार्ट होगा। उसी को बोलते हैं द्वितीयक वृद्धि। तो ये भी इन प्लांट के अंदर सबसे पहले देखने को मिला। एंजियोस्पर्म के डाइकोट में तो मिलता ही है, लेकिन वो स्टार्ट कहां से हुआ है? द्वितीयक वृद्धि, वो स्टार्ट हुई है जिम्नोस्पर्म से। तो ये याद रखना, जिम्नोस्पर्म में स्कैंडी ग्रोथ मिलती है, लेकिन एनुअल रिंग बनेगी जरूर, लेकिन उसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना मुश्किल काम होता है। कि दो प्लांट की बात और कर लेते हैं, ये भी करेक्टर में आएगा। जैसे साइकस है, आगे पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन भी पढ़ने वाले हैं। तो जो साइकस प्लांट है, साइकस उसकी रूट के अंदर साइनोबैक्टीरिया, या तो एनाबिना होगा या नोस्टोक होगा, उनमें से कोई एक इसकी रूट में सरवाइव करना या रहना स्टार्ट कर देगा। एक एसोसिएशन देखने को मिलेगा जिसको सहजीविता बोलते हैं, साथ रहेंगे। इसकी रूट्स में, किसकी रूट्स में? साइकस की रूट्स में कौन आ गए हैं? कौन आ गए हैं? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में नोस्टोक लिखा जा सकता है, एनाबिना लिखा जा सकता है, वो रहने के लिए आ जाते हैं। तो क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया किसके लिए जाने जाते हैं? अपना फूड तो बना ही लेते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, हेटरोसिस्ट मिलती है इनके अंदर, तो उस वजह से साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग
अच्छे से कर पाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छे से कर पाते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण अच्छे से कर पाते हैं, तो क्या करेंगे जब ये साइकस के साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये साइकस को क्या देते हैं, नाइट्रोजन, जो कि अच्छी ग्रोथ के लिए जरूरी है। बदले में वो साइकस से क्या ले लेगा, न्यूट्रिशन ले लेता है, तो एक दूसरे का काम चल जाता है। तो ये यहां पर अपने को देखने को मिलता है, एक सहजीविता सहजीवन देखने को मिलता है साइकस की रूट्स और साइनोबैक्टीरिया के बीच में। तो ऐसी रूट्स, साइकस की ऐसी रूट्स जिनके अंदर साइनोबैक्टीरिया रहने के लिए आ गए हैं, उसे बोलते हैं कोरेलॉइड, कोरेलॉइड्स बोल देते हैं। तो है पाइनस का, जिनको आम भाषा में पाइन बोल देते हैं, और इसमें देवदार भी आते हैं, पहाड़ी इलाकों पे लगते हैं। तो पाइनस क्या है, पाइनस वो जिम्नोस्पर्म है जिसकी रूट में फंगस आ जाता है। अब इसकी रूट में कौन आएगा, इसकी रूट में लगना स्टार्ट हो गया फंगस, फंजाई, कवक रहना स्टार्ट कर दिया, और ऐसी रूट को क्या बोलेंगे, माइकोराइजा। क्या बोल देंगे, माइकोराइजा। अब अपने बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, जनन किस प्रकार से होगा। देखिए इसमें भी दो पीढ़ियां मिलती है, स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण, दो जनरेशन का ऑल्टरनेशन चलता है, लेकिन जो मुख्य पीढ़ी है, जो मेन जनरेशन है, वो कौन सी होती है, स्पोरोफाइटिक की होती है, बीजाणुद्भिद, जो अपने को तना और पत्तियां वगैरह दिखाई देते हैं, वो इसकी कौन सी पीढ़ी है, वो है बीजाणुद्भिद। और जब इसमें क्या होगा, रिप्रोडक्शन होना स्टार्ट होगा, कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, वो कौन के अंदर होता है, उसमें मुख्य संरचनाएं पाई जाती है, कौन, एक मेल कौन होता है और एक फीमेल कौन या शंकु पाया जाता है। तो वो पीढ़ी होगी अपनी कौन सी, गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद। पर क्या होगा, जो कुछ लीव्स हैं ऊपर वाली, जो पत्तियां होती हैं, वो कंजेप्टेड हो जाती हैं, इकट्ठी होकर एक शंकुनुमा, एक कोन बना लेती है। देखिए क्या होता है, अपने को पता है कि लीव्स कैसी होंगी, इनमें बिल्कुल नुकीली निडल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, लीव्स के नाम पर बहुत पतली पतली नुकीली स्ट्रक्चर दिखाई देती है, लीव्स होती हैं, और इनकी जो अपर लीव्स होती हैं वो कंजक्टेड होकर, वो कंजक्टेड होकर क्या बना लेती हैं, कॉन बना लेती हैं, इनको क्या बोलेंगे, कॉन या शंकु, क्या बोल देंगे, शंकु बोल देते हैं। अब इनके अंदर क्या लगेंगे, होती तो ये लीव्स ही हैं, बस साथ में इकट्ठी हो गई, ग्रुप बना दिया, इसको अपने कॉन बोलेंगे, और इसके ऊपर क्या लगेंगे, स्पोर्स लगेंगे। अब स्पोर है तो उनको अपने दूसरा नाम देंगे, अब वो स्पोर को स्पोर नहीं बोलने वाले, अपने स्पोर के लिए अपने दो अलग नाम चूज कर रखे हैं, एक तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, पोलन ग्रेन या परागकण, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, बीजांड या ओव्यूल। देखिए जो मादा शंकु होता है वो बड़ा होता है, और जो मेल कौन होता है या नर शंकु होता है वो छोटा होता है। तो क्या होगा, ये लीजिए, ये कौन सा है, ये है अपना फीमेल कॉन, और ये अपना कौन सा है, मेल कॉन, इनमें लगेंगे स्पोर। स्पोर है वो दो टाइप के होंगे, एक तो मेगा स्पोर, एक माइक्रोस्पोर, एक लघु बीजाणु और एक गुरु बीजाणु। कौन सा बनेगा, माइक्रो स्पोर, लघु बीजाणु, और एक कौन सा बनेगा, मेगा स्पोर, गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु कहाँ बनेगा, मादा शंकु में। ये कौन सा है, ये है अपना फीमेल कॉन, इसके अंदर जो स्पोर बनेंगे वो बड़े बनते हैं, उनको बोला गया मेगा स्पोर, और जो मेल कॉन है उसके अंदर बनेंगे कौन से, माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु, वो छोटे बने। अब होगा क्या, इनको अब माइक्रोस्पोर को क्या बोलेंगे, पोलन या पराग, जो कि लक्षण आ रहा है किसका, एंजियोस्पर्म का, तो कह सकते हैं आगे आने वाली जो
क्लास है किसकी, प्लांट की, वो कौन सी होगी, वो होगी एंजियोस्पर्म, जिसमें फ्लावर लगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो माइक्रोस्पोर को पोलन बोल देंगे या पराग, और जो मेगास्पोर है उसको अपने क्या बोल देंगे, ओव्यूल, इनको क्या बोल देंगे, ओव्यूल। और ये हो गए पोलन, ओव्यूल कहाँ लगेंगे, ये वाले जिनको मेगास्पोर बोला गया, अब उनका नाम बदलकर अपने क्या बोलेंगे, ओव्यूल है वो। और माइक्रोस्पोर किसको रिप्रेजेंट करेंगे, पोलन को। अब ये पोलन है वो क्या करेंगे, क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे किसके ऊपर आएंगे, ओव्यूल के ऊपर। ओव्यूल कहाँ लगे, मेगास्पोर जिसको बोला कहाँ लगे हैं, वो लगे हैं फीमेल कॉर्न के ऊपर, तो वहां आएंगे, उनको वो क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइज होने के बाद में क्या बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा, भ्रूण बनेगा। और भ्रूण किस में डेवलप होगा, अपने को पता है भ्रूण किस में डेवलप होता है, बीज के अंदर, सीड के अंदर। तो सीड बनने स्टार्ट हो गए। तो इस तरह से अपनों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि मेजर मीन्स है किसका, रिप्रोडक्शन का, इसके अंदर जिम्नोस्पर्म का, वो अपनों ने कंप्लीट कर। बात करते हैं क्लासिफिकेशन वर्गीकरण की। जिम्नोस्पर्म को भी सब क्लासेस में या ऑर्डर में डिवाइड या क्लासिफाइड कर दिया गया। अनावृत बीजियों को या जिम्नोस्पर्म को दो डिवीजन के अंदर क्लासिफाइड कर दिया गया, एक तो है साइकेडोफाइटा और दूसरा है कॉनफेरोफाइटा। साइकेडोफाइटा ये डिवीजन है, दो डिवीजन में क्लासिफाइड कर दिया गया, दो प्रभाग बना दिए गए हैं, और दूसरा कौन सा है, कॉनफेरोफाइटा। कौन फेरो फाइटा, तो ये अपने डिवीजन पढ़ने वाले हैं। और इसमें कुछ जीनस को रखा गया, कुछ वंश को रखा गया, कुछ पादपों को क्लासिफाइड कर लिया गया है जो जिम्नोस्पर्म में आते हैं। तो पहले अपने बात करने हैं, किसकी बात करेंगे, साइकेडो फाइटा। यहां पर मैं तीन प्लांट की बात करता हूं। तो पहला जो प्लांट है वो अपना है साइकस, अभी जिसकी रूट में अपनों ने क्या लगा दिया था, क्या लगा हुआ था उसकी रूट में, साइनोबैक्टीरिया, तो साइकस है। दूसरा इसमें विलियम सोनिया भी है। दूसरा कौन सा है, विलियम सोनिया। और तीसरा जैमिया। जैमिया क्या है, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म कौन सा है, जैमिया पिग्मी, एक स्पीसीज होती है, कौन सी, पिग्मिया। और वंश कौन सा है, जीनस कौन सा है, जैमिया। तो जैमिया पिग्मिया सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। और ये दो जो मैंने नाम लिखे हैं, साइकस है, एक विलियम सोनिया है, इन दोनों को अपने बोलते हैं लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल्स, जीवित जीवाश्म। इसका मतलब क्या है कि इनकी कैटेगरी के सिर्फ ये दो ही प्लांट, ये दो ही जीनस अभी जीवित बचे हैं, बाकी सारे के सारे विलुप्त हो चुके हैं इनकी कैटेगरी या इनके जीनस में या इनके जो ऑर्डर है, क्योंकि ये जो डिवीजन है इनको ऑर्डर के अंदर भी डिवाइड किया गया। तो जिन ऑर्डर के अंदर ये दोनों साइकस और विलियम सोनिया आते हैं, इन दोनों के अलावा बाकी जितने भी जीनस है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, अब नहीं मिलते, सिर्फ ये दो ही मिलते हैं, इसलिए इनको जीवित जीवाश्म या लिविंग फॉसिल्स बोला गया। जैमिया मैंने अभी बता दिया सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म। अगर अपने बात करें कॉनिफर्स की या कॉन फेरोफाइटा की, तो इसमें आता है पाइनस, वही जिसकी रूट को क्या बोलते हैं, माइकोराइजा, पाइनस आता है। इसमें थुज्जा भी आता है। थुज्जा क्या होता है, आपने देखा हो मोर पंख, इसको अपने आम भाषा में बोलते हैं वेलवेटी, उसकी लीव्स होती है, वो थुज्जा है। और क्या है, एफिड्रा है। एफिड्रा से अपने को एफिड्रीन, एक एल्कलॉइड मिलता है जिससे अपने, जिसको अपने यूज करते हैं मेडिकल पर्पस में। और क्या हो सकता है, और हो सकता है नीटम। और क्या हो सकता है, नीटम भी हो सकता है। तो ये कुछ कैटेगरी के प्लांट है। एक और फैक्ट बच गया कि सबसे टॉलेस्ट कौन सा होता है, सबसे टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा होगा, सबसे लंबा। सबसे छोटा तो उन्होंने जेमिया की बात कर ली, सबसे लंबा होता है सिकोया। क्या बोलते हैं, सिकोया। सिकोया जो है वो सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म होता है। जिम्नोस्पर्म को अपने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में अपने करने वाले हैं एंजियोस्पर्म्स, आवर्तबीजी। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।